हेलो गाइस, फ्रेंडी टेक यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर हाजिर हूँ और एक बेहतरीन वीडियो लेके। पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कैसे आप लॉजिकली कंप्यूटर का फंक्शनल को कैसे समझना चाहिए, आपको कंप्यूटर क्या होता है उसका लॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में मैंने बताया था। उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हो। नहीं तो आप ऊपर में आई बटन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। नहीं तो वीडियो के एंड में एक स्क्रीन एंड स्क्रीन दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। कंप्यूटर को डेफिनेशन दिया हूँ मैं या डिफाइन किया हूँ कुछ इस तरह से, लॉजिकल टेस्ट की तरह से। तो आज के टॉपिक पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक जो है, आपको टाइटल और थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा, अगर नहीं पता चला तो भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, सॉफ्टवेयर्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले ये तो जान ले सॉफ्टवेयर्स क्या होता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को डायरेक्शन देता है, उसके साथ साथ उसी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर को चलाने की काम करता है। और आपका जो भी प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो उसी क्षेत्र में जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करते है? पहले से उसके अंदर इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उस इंफॉर्मेशन के जरिए से वो एनालिसिस करता है, उसी का सॉल्व या सल्यूशन निकालता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है आप लोग को तो पता चल ही गया होगा। अभी यहाँ से आपको थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ। सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो ये सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो एक रहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर के बारे में जब बता रहा था, थोड़ी देर में आता हूँ, पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर कितने पार्ट हैं। सॉफ्टवेयर पहले आता है, क्या बताया मैंने, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे नंबर पर क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड नंबर पर आता है आपका, क्या बताया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको देखने मिलता है कंप्यूटर में, ये इस तरह एक सॉफ्टवेयर होता है। फिलहाल तो यहाँ पर जो पहले वाला सॉफ्टवेयर के बारे में था वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने देखिए, जब मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा था तभी मैंने बताया था आपको कंप्यूटर का कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है या डेटा कलेक्ट करके रखता है और एकत्रित होकर जहाँ पर रहता है, जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सहायता करता है, उसके साथ साथ उसका हार्डवेयर ऑन जो पार्ट्स होता है हार्डवेयर का, उन पार्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए, काज करने की क्षमता देने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसका हार्डवेयर को एक्टिवेट करने के लिए, उसका कार्डियो क्षमता बढ़ाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में देना चाहिए या देना पड़ता है, उसी सॉफ्टवेयर का नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर अब मैं आपको पूछूंगा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का आप एग्जांपल दे दिए, तो आपको फटक से मुख से आ जाएगा आपका, तो आप कह दोगे फ़ोन के लिए एंड्रॉयड और कंप्यूटर के लिए विंडोज़। इसके साथ लिनक्स भी होता है, बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है मार्केट में, अवेलेबल भी है। तो यहाँ पर कोई भी जिसका जो मर्जी वही यूज़ करता है, लेकिन हमेशा मोबाइल में एंड्रॉयड ही यूज़ होता है जो गूगल का द्वारा बनाया गया है। उसके साथ कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, विंडोज़ यूज़ होता है वहाँ पर। तो फिलहाल लेटेस्ट विंडोज़ का वर्जन है विंडोज़ 10 और एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है क्या, पाई 9.0। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर का मैंने पहले पार्ट्स को आपको समझा दिया। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको कुछ भी डाउट्स हो, थोड़ा बहुत नहीं कुछ भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो उसी टॉपिक को ऊपर अलग करके मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए दोस्तों, हर रोज़ काम में आने वाले, अब जहाँ जिस क्षेत्र में काम करते हो उस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करते हो कंप्यूटर के जरिए से, आसान तरीके से काम करते हो। कोई भी काम, आप डॉक्यूमेंटेशन कह लो, आपका अकाउंटिंग की पार्ट कह लो, आप डिज़ाइन की काम पार्ट कह लो, जो भी काम आप करते हो कंप्यूटर में बैठकर जिस सॉफ्टवेयर के जरिए से करते हो, उस सॉफ्टवेयर को नाम, उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप हिसाब रख रहे हो एक्सेल के माध्यम से, तो एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हो, पेपर वर्क्स कर रहे हो, तो यहाँ पर
यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये जो सॉफ्टवेयर से इसको कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर काम करता हूँ या करते हो आप, उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके मतलब जिसको अप्लाई करके आगे तक ले गया जा सकता है, उसका इंफॉर्मेशन दोबारा क्रिएट किया जा सकता है उसके अंदर से, तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर के वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना है? सुना तो होगा, ज़रूर सुना होगा, क्यों नहीं सुना। कंप्यूटर वायरस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है आप लोगों के पास, कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। वो वायरस कोई कीटाणु नहीं है तो क्या है? वायरस है कुछ प्रोग्राम्स है जो पहले से डेवलप किया जाता है, वो ऐसा प्रोग्राम्स है आपका सिस्टम के अंदर चला जाता है, जाने के बाद वो खुद ब खुद प्रोसेसिंग करता है और उसका काम ही होता है आपका सिस्टम के अंदर चले जाना, और आपको खुद का काम नहीं करने देगा। वो आपके मर्जी से बगैर ही कुछ ना कुछ काम अलग से कर देगा ही देगा। जैसे कि मान लीजिए आप ओपन कर रहे हैं एमएस एक्सेल, तो वहाँ पर एक्सेल ओपन तो हुआ ही, उसके साथ और भी दूसरा कोई एप्लीकेशन आपके सामने आ गया, तो ये एक सिंबल है, सिम्टम है वायरस आपका कंप्यूटर में आने का। तो कैसे फैलता है ये वायरस? वायरस फैलता है इंटरनेट के जरिए से, किसी भी पेन ड्राइव, किसी भी कंप्यूटर से आप इंफॉर्मेशन लेकर आते हो, आपके कंप्यूटर में डालते हो, इस तरह से वायरस आ जाता है उस कंप्यूटर से, इस कंप्यूटर इस तरह आता है। तो ये जो वायरस है, इसी वायरस को मिटाने के लिए क्रिएट किया गया है, जो प्रोग्राम के जरिए से इसको मिटाने के लिए बनाया गया है एंटीवायरस। इस एंटीवायरस को कहा जाता है यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या है, उसका कितने क्लासिफिकेशन है और कौन से क्लासिफिकेशन में क्या काम है, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया कर लीजिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। असर पहले से ही आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी न्यू व्यूअर्स हो, सोच रहे हो सब्सक्राइब करूं या ना करूं इस चैनल को, तो देरी मत करो यार, इस तरह वीडियो में लाता रहता हूँ, आप लोगों का ही फायदा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।